हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाइन विद बबीता में। आज मैं आपके लेकर आई हूँ सूजी का हलवा, जो कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है और सबसे बड़ी बात है ये सबको पसंद होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको पसंद करते हैं और आपने देखा होगा इसको खाने से कोई भी मना नहीं करता है। सूजी का हलवा का नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो अभी तक मैंने बहुत सारी नमकीन डिशेज बनाई थी, तो सोचा आज कुछ नया और थोड़ा सा कुछ मीठा ट्राई करते हैं। तो ये जो आप हलवा अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी आपका बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको बनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी सूजी। इसको हम धीमी आंच पर, बिल्कुल आपको गैस को स्लो कर देना है और धीमी आंच पर हमें इसको हल्के लाइट ब्राउन होने तक, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हमें इसको धीमी आंच पर भूनना है। क्योंकि अगर हम इसको तेज आंच पर भूनेंगे तो सूजी ऊपर से तो भुन जाएगी बट अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनना है। थोड़ा घी और डाल देंगे क्योंकि सूजी के हलवे में घी का टेस्ट तभी, हलवा टेस्ट तभी आता है जब थोड़ा उसमें घी अच्छे से डलता है। ये देखिए, धीमी आंच पर इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। हमारी सूजी देखिए लाइट ब्राउन हो गई है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइट ब्राउन हमें इसको भूनना है। और जितनी हमारी सूजी है उसका 3 गुना में पानी डालना होता है। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी डाली थी उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। हमने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम गैस को थोड़ा सा, जो स्लो थी हमारी, थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े, गांठे ना पड़े। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हलवा बनाने के लिए हमें थोड़ी मोटी जो सूजी आती है, मोटे वाली, उसका बनाएंगे तो हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इसको लगातार हमें चलाते रहना है ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से इसमें फूल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे हमें चीनी कितनी डालनी है इसके अंदर। तो जितनी हमारी सूजी होती है, जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, हमें उसके बराबर ही चीनी डालनी होती है। तो 1 कटोरी सूजी के साथ हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है क्योंकि सूजी हमारी फूलने लगी है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए थे गार्निश के लिए, तो थोड़े बादाम हम हलवे के अंदर डाल देंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पर काट कर गार्निश ले रखे हुए हैं। यहाँ मैंने 2 इलायची को कूट कर उसका इलायची पाउडर बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब हम ये जो हमने यहाँ पे इलायची ली थी, इलायची पाउडर बनाया था, इसका जो छिलका है ये निकाल लेंगे और ये जो हमने पाउडर है इसको हम डालेंगे बस। इलायची डालने से इसके अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम अट्रैक्ट करता है हमें और हमारी जो खाने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा धीरे धीरे बिल्कुल तैयार होने लगा है क्योंकि ये गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा दानेदार हमारा हलवा बना है। अब हलवा बनने के बाद भी हम ऊपर से इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे ताकि हमारा जो ये घी का जो फ्लेवर है वो और अच्छे से इसमें और टेस्टी बना देगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये देखिए, बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, सूजी, और अपने आप में ही एक मतलब बहुत ही हल्की और टेस्टी होती है। और जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और घी जो है वो हमारी स्किन को ग्लो करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म हलवा तैयार है, देखिए कितना टेस्टी और कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए, घर में बनाना बहुत ही आसान है, टेस्टी बनता है, हाइजेनिक होता है और सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।